श्री नारायणी धाम मंदिर एक बहुत ही अलौकिक एवं रमणीक स्थान है। यहाँ एक नहीं बल्कि तीन भगवान हैं, एक माँ दुर्गा हैं, दूसरा सिद्धि विनायक हैं और तीसरा श्री सालासार हनुमान जी। ये मंदिर सुबह 7 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ के गौशाला में आप अपने हाथों से गौ सेवा कर सकते हैं। यहाँ की जो सात्विक भोजन है उसके आगे 5-स्टार होटल की भोजन भी फेल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वानु ब्लॉग्स पर। ये नारायणी धाम मंदिर मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर लोनावला के तुंगरली जगह में स्थित है। तो ये है इस मंदिर का मेन गेट और व्यू। दोस्तों, ये मंदिर 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। ये मंदिर पुणा और मुंबई दोनों जगहों से लगभग सेम डिस्टेंस पड़ता है। ये मंदिर का दूसरा गेट पर मुफ्त में भगवान का भोग बढ़ता है। इस मंदिर के अंदर काफ़ी दूर में पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको राइट साइड में ही काउंटर मिल जाएगा, जहां से आपको मंदिर में रुकने के लिए रूम की व्यवस्था भी मिल जाएगी और यहां से आपको सात्विक भोजन के लिए 150 रुपये पर हेड की टिकट मिल जाएगी। यहीं से आपको मंदिर का प्रसाद गोंद का लड्डू 100 रुपया की 4 मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर अब हम प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको छोटे छोटे फवारों का एक श्रृंखला मिलेगा और ये सभी छोटी श्रृंखला जा करके एक बड़े फवारों से मिलते हैं। आजकल लोनावाला में हर जगह मॉनसून का सीजन है, जिस वजह से मंदिर को हर जगह से ढका हुआ है और लोगों को आने जाने के लिए एक अलग ही रास्ता बनाया हुआ है, जिसे ढक करके और सुविधा के लिए अच्छा बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, परंतु हमें दाहिने साइड में एक गौशाला दिखा। तो चलिए दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले हम गौशाला में चलते हैं, जिसमें कि आप अपनी हाथों से गौ सेवा कर सकते हैं। जुग जुग जीरे तेरा जम्मुए दरा जा, जुग जुग जीरे। गौशाला में अगर आपको खुद से गौ सेवा करनी है तो यहाँ पे आपको बाहर टिकट लेना पड़ेगा और टिकट ले करके आप गौ सेवा कर सकते हैं। वहीं से आप गौ के लिए चारा ले करके गायों को खिला सकते हैं। इस गौशाला में लगभग 40 गाय हैं। सभी गायों का अलग अलग नाम है। सभी गायों का खाने के लिए अलग और पानी पीने के लिए भी अलग अलग बनाया हुआ है। इस गौशाला के आखिरी छोर पर एक श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही अच्छी और सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, जो कि गौशाला में बिल्कुल ठीक बीचों बीच स्थित है। हम गौशाला में गौ सेवा करने के बाद अब मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको मंदिर के नीचे शू काउंटर मिल जाएगा, जहां पे आप अपने जूते को फ्री में ही रख सकते हैं। मंदिर में ऊपर जाने के लिए वृद्ध एवं दिव्यांग जन के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आपको दाहिने साइड में एक दुकान मिल जाएगा,
जिसमें से आप मंदिर के लिए प्रसाद एवं सिंदूर वगैरह भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आजकल रक्षाबंधन चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर राखियों का सेल लगा हुआ है। और हम यहाँ से प्रसाद वगैरह खरीद के अब मंदिर की ओर चल रहे हैं। संगमरमर की बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियों से हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर। इस मंदिर में फोटो और वीडियो निकालने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इस मंदिर में नवरात्रि एवं रामनवमी के समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगता है, क्योंकि ये मंदिर एक दुर्गा माता की मंदिर है। इस समय इस मंदिर में भोग लग रहा था, जिस वजह से ये मंदिर की पट बंद थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बहुत ही जल्द पट खुलने वाला है। आप इस मंदिर की नक्काशी देखिए, मंदिर की खूबसूरती, साजो सजा काफ़ी उत्तम। वीडियो फोटो के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। इसके अलावा भी ये मंदिर दूसरे मंदिरों से काफ़ी अलग है। इस मंदिर में सालों भर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। जुग जुग जीरे तेरा। मंदिर में भोग लगते ही एक लंबी सी लाइन लग गई, जो लोग बारी बारी से यहाँ पर जाकर दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर के प्रेयर हॉल में लगभग सालों भर हरि कीर्तन और यहाँ पर भजन कीर्तन चलता रहता है, जो कि श्रद्धालु गण जाते हैं तो यहाँ पर बैठ के भजन कीर्तन करते रहते हैं। मंदिर की नक्काशी और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जो कि काफ़ी भक्तिमय एवं शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग आ कर के घंटों समय व्यतीत करते हैं। इस मंदिर के पुजारी हर एक महिला श्रद्धालु को एक चुनरी गिफ्ट में दे रहे हैं, जो कि महिलाओं का मानना है कि वो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर में रुकने के लिए भी एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, जो कि लोनावाला में किसी रिजॉर्ट में रुकने से अच्छा है आप यहाँ रुकें। बड़े परिवार के लिए यहाँ पर 4 लग्जरी रूम उपस्थित है, जिसमें तमाम सुविधाएं भी अवेलेबल है। 62 यहाँ पर डबल बेडरूम्स एवं डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, और ये सभी किसी भी रिजॉर्ट से काफ़ी सस्ता है। और यहाँ पर आप हेल्थ एंड फिटनेस का भी फायदा उठा सकते हैं। महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई की सुविधा एवं कंप्यूटर का क्लास भी अवेलेबल है। यहाँ एक डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पर डॉक्टर भी 4 से 6 शाम को बैठते हैं। और यहाँ एक लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। और यहाँ पर 150 रुपये में हमने अनलिमिटेड सात्विक भोजन किया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।